यार दोस्तों का फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो काफ़ी दिनों बाद वैसे बारिश हुई दोबारा, मतलब हो गया था लगभग हफ्ता जब से बारिश नहीं हुई, और रात को काफ़ी भयंकर बारिश, मतलब लगातार ही बारिश हुई है रात को, और थोड़ा सा डर तो लगा कि दोबारा ना आ जाए तबाही, बट अब रुक गई है बारिश। तो बारिश आनी भी चाहिए तो ऐसी आनी चाहिए कि रात को हो गई 4-5 घंटे, उसके बाद रुक जाए। सुबह को रुक गई वो अच्छी होती है, अगर पूरी रात भर चलती रही सुबह भी चले तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो अभी कुछ ऐसा मौसम है, शानदार और जानदार मौसम, जब ऐसे बादल होते हैं तो मस्त होता है। तो आज का प्लान क्या है? आज का प्लान है कि आपको शिव होम भी दिखाना है और मिलना भी उससे, यार बड़ी याद आ रही है उससे मिलने की, और छोटे बेबी से भी मिलना है, कृष्णा से भी मिलना है, प्रकृति से भी मिलना है। वैसे प्रकृति की सबसे लास्ट में याद आ रही है, बट पहले जो आ रही है वो सबसे ज़्यादा शिव होम की याद आ रही है। मजाक कर रहा हूँ यार, प्रकृति की भी आती है मुझे याद। तो जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और उधर से प्रकृति के पास पहुँच जाएंगे। बहुत मस्त है अभी सामने का व्यू। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ शिवम ठाकुर के स्कूल, और मुझे प्रकृति ने बताया नहीं कि उसको छुट्टी कितने बजे होती है। बोला मैं 1:10 पे चली जाती हूँ और लेके आ जाती हूँ उसको, और जिस टाइमिंग पे मैं आया तो अभी बच्चे को बेचारे को छुट्टी भी नहीं हुई है। खेलना पड़ेगा अब उसके खिलौनों के साथ। तो ये स्पेशल डिमांड थी शिवम की कि मेरे खिलौने हैं नहीं ससुराल में, सॉरी उसके ससुराल नहीं मेरे ससुराल में, तो लेके आना। हे हे आए मामा, ये शिवम है, शिवम शिवम शिवम, ओह माय गॉड, हाय शिवम, से हाय शिवम शिवम। ओए मेरे गंजे, मेरे टकले दून। ओके ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने गाड़ी जो ट्रक ना साथ ही चलते हैं, तो शिवम हमसे मिल के इतना खुशी हो रही है ना आज यार, मैं से सच में बहुत दिनों बाद मिला यार, मतलब ऐसा लग रहा 3-4 दिन बाद मिला। तो मेरे लिए वो जो 1 घंटा होता था वो लगभग 1 डे के बराबर था, ऐसा लग रहा है इससे महीनों के बाद मिल रहा हूँ अपने बच्चे से, सीरियसली यार। तो फ्रेंड्स रात को बारिश हुई, उसके बाद मौसम देख सकते हैं आप, लिटरली यार खूबसूरती इतनी बढ़ चुकी है ना, मतलब कलर्स देखो आप इनके पहाड़ों के, क्या बढ़िया हो गया ना। ये दो देखो कुछ ज़्यादा ही डीप कलर हो गए हैं। तो अभी चल पड़े हैं हम शिवम के नाना के घर, बिकॉज अभी अपने घर नहीं जाएगा, है ना शिवम? आई मिस यू। बड़ा चुप चुप बैठा है, क्या बात है? ऑब्वियसली यार बहुत मिस किया होगा इसने मुझे, सबको, अद्विका को, अब नहीं सॉरी अद्विका और आप वैसे तो मिल लेता है ये स्कूल में, और हाँ मुझे तो मिस करता ही है मेरे बेटा, ऐसा नहीं है मुझे मिस नहीं करेगा। तो एक बात सोच रहा था मैं यार, उन बच्चों को लिए कितना तकलीफ दे होता ना जो बच्चे बेचारे सिंगल पेरेंट के पास पलते हैं। तो चलो पहले मैं ये वाली ब्यूटीफुल, आपको वही ब्यूटीफुल वाला एरिया दिखा देता हूँ, सबसे खूबसूरत वाला एरिया, बहुत मस्त लग रहा है। मतलब कभी भी आप मनाली आओगे तो बाकी चाहे आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, बट ये वाला एरिया मेरे घर के सामने वाला एरिया जरूर याद रहेगा। हाँ तो गाइस मैं बात कर रहा था कि उन लोगों के लिए यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मुश्किल होता होगा, जिसके सिंगल पेरेंट होते हैं या फिर कोई पेरेंट्स डिवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद बच्चे अकेले अकेले पेरेंट्स के पास पलते हैं, या फिर माँ के पास, मोस्टली माँ के पास, या फिर बाप के पास, डिपेंड करता है सिचुएशन का। और मैं सोचता हूँ कि यार देखो, अगर आप लोगों में, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों में बनती नहीं है ना तो प्लीज़ बच्चे पैदा ना करें, और अगर बच्चे पैदा हो गया तो भाई डिवोर्स मत लेना, क्योंकि शायद उसका पाप बहुत ज़्यादा चढ़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से आपके बच्चे पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। अभी तो ये चलो अपने नाना नानी के पास ही रह रहा है कुछ दिनों के लिए, जैसे हफ्ते तक, पर सोचो जो डिवोर्स लेके दूर हो जाते हैं उन बच्चों पे क्या बीतती होगी, कि उनको किसी को माँ का प्यार नहीं मिल पाता, किसी को बाप का प्यार नहीं मिल पाता, तो बहुत मुश्किल होता है और उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए शादी करो किससे जिससे प्यार करते हो,
और उसके बाद भाई सोचो भी मत कि यू नो डिवोर्स करना है। और मैक्सिमम लोग क्यों करते हैं डिवोर्स, तो कंपैटिबिलिटी इशू आ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा झुक जाओ, तुम झुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा अपनी बीवी को बोले कि तू भी झुक जा। तो वैसे मेरा और प्रकृति का आजकल मैं ज़्यादा यू नो उसके बाद कई बार जो गुस्से वाले होते हैं यहाँ से निकाल सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, चुप बैठना, ज़्यादा नहीं बोलना। अगर मैं यू नो जैसा मैं पहले था शादी से पहले वैसा डोमिनेटिंग होता अभी तक, तो मुझे पता अभी तक तो शायद डिवोर्स भी हो जाता। और ये चीज़ें गुस्से में ही होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा यू नो जब अपनी पहले बीवी को प्यार करता था या फिर पहले अपने हस्बैंड को प्यार करती थी बाद में वो प्यार कहीं गायब हो जाएगा, नहीं, वो कुछ एक फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है, कुछ एक और दिक्कतों में निकल जाता है। तो इसीलिए अपनी दिक्कतें साइड रखो और अपने से प्यार रखो यार, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी थोड़ा चेंज आपको होना ही पड़ता है, सबको होना पड़ता है। कई जगह मेल डोमिनेट होते हैं करते हैं, कई जगह जो वाइफ है वो डोमिनेट करेंगी, तो इसीलिए ठीक है यार, सुना रही हैं तो सुनने दो। अब ऐसे वाइफ ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है शादी के बाद, तो मैंने होने दिया प्रगति, इट्स ओके यार, ठीक है, मेरा और मेरे बच्चों की खुशी के लिए इतने झेल लेंगे। तो शिवम पता क्या बोल रहे अभी, सिस्टम, तो बिग बॉस में सिस्टम को बोर्ड जा रहे हैं आजकल अपने भाई को, तो अपने भाई को जिताना तो ज़रूरी बनता है यार। वैसे मैं आज तक बिग बॉस देखता नहीं था, बट एलविश के लिए आजकल बिग बॉस देखना पड़ रहा है यार। फाइनली आजकल हम पहुंच चुके हैं, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम शिवम के नाना हाउस। आजकल तो शिवम का घर यही बन चुका है कुछ दिनों के लिए। कहाँ जाए जय जय चले फिर। हाय शिवम, सॉरी शिवम नहीं, हाय मेरे जिगर के दूसरे टुकड़े, कृष्णा। हाय कृष्णा, ओ माय गॉड ही इज स्लीपिंग, ये कहाँ खोलता भाई, ये सोने दो मेरे को, ये गुस्से लगता है मेरे को अपनी माँ की तरह जो इस शादी के बाद बन चुकी ना। हाय बेबी कैसी है तू, मैं बता रहा था बड़ी याद आ रही बत्ती की। अच्छा हाँ, तेरे को आई मेरी याद? नहीं। अरे तड़पती है, अरे मायके में क्यों आएगी आपकी याद? अच्छा तड़पती है, तो इसको मैंने सुला दिया अपने छोटे बेटे को, और अब आ चुका है शिवम ठाकुर। ये देखो भाई, सबसे आते ही उसने अपना ट्रैक्टर, ये उसका फेवरेट, किसने दिया उसको ये ट्रैक्टर, उसके पापा ने। छोटा भाई उठ गया, तूने नहीं सोना भाई, तू कहाँ सोएगा इसके साथ हैं, तुम दो की तो जोड़ी होगी अब, तू तो आ गाड़ी चलाने वाला होगा आगे। ये ज़्यादा शरारती हो गए हैं, मुझे ऐसा चाहिए जाती है कि ये शरारती होगा, ये ज़्यादा शरारती होगा, ये थोड़ा मेरे को सिंसियर टाइप लगेगा। वैसे शरारती है बट वैसे मतलब ऐसे बिहेवियर वगैरह, ये होगा निडर जैसा मेरे को लगता है, ये पक्का चंडेगा। कैसा? ये चंडने वाला बच्चा है, ये होगा शिविका का असली चेला। हाँ मतलब ऐसी फीलिंग आती है, खतरनाक बंदा हुआ है। किसका तेरा, तेने क्या रखा था इस नाम, स्वक्ष, स्वच्छ नाम अच्छा है यार। क्यों? पत्ती यार, पत्ती जो बोले ना प्राण वाक्षर, यार प्राण वाक्षर पता हर किसी से बोले ना, प्राण वाक्षर, वाक्षर ही हो ना फिर। ए जिगू क्या नाम रखना तेरा, बिल्लू रखना मेरा नाम इसका, गुड्डू, गुड्डू नहीं रखना इसका नाम, इसका नाम रखना निट्टू, ठीक है पत्ती, बढ़िया। मेरा नाम भी इसको ठीक नहीं लगा, ऐसा हो सकता है, छोटा नीटू रखेंगे, नीटू 2.0। देख मेरी साली को भी नहीं पता है, बेटा 4 साल होगी 5 साल होगी शादी कर, तो नहीं बोलता कोई नहीं है, पर पता होना चाहिए तेरे को, पता होना चाहिए। आशी बहू ने पता क्या नई चीज सीखी है, वो मेरे को कहता कितनी क्यूटी पाए है, ये कहाँ सीखा मेरे को, कल परसों से कर रहा है, ये शायद इसके स्कूल में किसी, ये क्या बोल रहा है, कसम से बोला।
नहीं यार अच्छा तू क्या सीखेगा मेरे से वाह लाड़ी कंडी सको जा रहा हम भाई जल्दी कर तैयार जूस तो तूने पिला दिया भेलपुरी जरा सेवा करो जीजा जी की हाँ क्यों मारी मेरे बेटे को चल घर जाना घर जाना घर जाना घर जाना घर जाना अब चुप हो गया नहीं जाना घर जाना जाना दादी जाना दादी दादी जाने जाने दादी देख मेरे साथ स्कूल में ये देखो भैया अपनी माँ और मासी के पास इतना वो हो गया जिद्दी है मेरे पास चुपचाप से कपड़े खोलता दो मिनट में बस पड़ा नहीं पड़ा ओ भाई बहुत गंदी बात होती है गंदी बात होती है इसलिए भी गुस्सा है ना आज पापा का मारा क्यों मारे साइड हो भाई टांग भी रखी है फोल्ड करके वो देखो भाई टांग एक पांव राइट राइट वाली उसने ना लेफ्ट के उधर कर दी ये देखो ऊपर से स्माइल देगा शुभम ब्लू भेलपुरी यहाँ क्या करता है शिवम तो वैसे जो ये वाला रूम है ना ये प्रकृति का था है ना मैं और प्रकृति इस रूम में होते बट गर्मी है यहाँ बहुत अच्छा यहाँ बैठ के जय जय देखते है ओ वाओ यार शिवम का फेवरेट प्लेस है शिवम तेरा फेवरेट प्लेस है बेटा यहाँ शिवम नहीं आता है यहाँ तो तुम सब के बच्चे आ जाएंगे बता इतना बड़ा रूम है तो प्रकृति का नहीं ये शिवम पहले शरीफ हुआ करता था बट अब ना बहुत ज्यादा नॉटी हो गया यहाँ हरकतें देखो फिर चलते हैं छोटे उस्ताद बाय बाय माय क्यूटी पाई माय कृष्णा लाल टमाटर इसका नाम क्यों ना टमाटर ही देवी रखें स्माइल करता है स्माइली भाई लाल हो जाता है लालू जैसा है बिल्कुल है अब लगी इसको भूख रोएगा नहीं मतलब तब से मैंने इसको नोटिस किया कि रोता नहीं है बिल्कुल कि वाया वाया करे नहीं गुस्सा करके है ना अब तो तू तो अब खिल गई है ना टेंशन नहीं जब से इसकी शिवम से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है ना इसके मजे हैं पर तू कहाँ करती है बेचारी अनुभूतियाँ मुल्ला ही कर रही हैं जो कर रही हैं हाँ नहीं मैं भी करती हूँ भले बेचारी पजामे में पॉटी फंसे पर कर रही हैं बेचारी ऐसा होता है भाई जब स्टार्टिंग में होता है तो मुश्किल होती है मुश्किलें आती हैं चलते हैं बाहर आओ यार चलते हैं अब बाहर धूप खिल चुकी है सुबह बारिश हो रही थी अब चलते हैं ठीक है भाई रोना नहीं अच्छा ठीक है अपना ख्याल रखना ठीक है दर्शन कर तो फ्रेंड्स अब वक्त आ चुका है वो टाइम का अपने बीवी बच्चे को अलविदा करने का और करते हैं अपने इस छोटे लल्ला को बड़ा वाला लल्ला तो गायब हो चुका है मतलब मासियों के साथ वो इतना घुस चुका है ना अब कि क्या बताएं मतलब हर कहीं मासी के साथ भाग गया वो ऊपर मंदिर चला गया है मासियों के साथ तो ठीक है मासियाँ उसकी छोटी बहन की तरह है तो ख्याल पूरा रख रही हैं उफ क्या आपको एक मेरा सफ़ेद बाल दिखाई दे रहा है यहाँ चमक रहा देखो सिर्फ एक बाल है अब कैसे नहीं होंगे यार दो दो बेटे हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हाँ इसको क्या पता इसका एक भी सफ़ेद बाल नहीं है सफ़ेद बाल नहीं है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं नहीं गुड जीन्स नहीं बेटा तुम रिस्पॉन्सिबिल नहीं हो चुप चल झूठे अभी दिखाऊंगा मैं ससुर जी के कम से कम भैया 1,00,000 सफेद बाल हैं ससुर जी के ठीक है और नहीं उनकी जैसे उनकी उम्र है उसके हिसाब से बहुत कम है और मुझे इसकी याद आएगी यार आज इसके साथ मेरा बहुत वक्त
गुजरा मेरे। ऐसा मत बोले कि माँ अकेली थी, नानी के घर गई, पापा नहीं है। पापा आता था तुझे देखने, अब आऊँगा मैं परसों, ठीक है? क्योंकि पता है बेटा ससुराल नहीं बैठते ज़्यादा टाइम, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? ठीक है ना, ये तेरा मेरा सीक्रेट है, मम्मा को नहीं बताएंगे। मम्मा फ़ोन में बिजी है। तो प्रकृति जा रही है अब हमारे लिए बनाना शेक बनाने। तो भी पिएगा अगले साल से बनाना शेक, ठीक है? अभी नहीं मिलेगा तो बस अब मैं भी निकलना है घर। और रहने की तो मैंने पहले ही बोल दिया, घर नज़दीक है, जिसके कारण यू नो पता क्या होगा, एक दिन में ट्रांजिशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपने जो नेचुरल जो घर के बिस्तर की बात हो, प्रकृति बोल रही थी यार कसम से अपना रूम जो होता है अपने घर का रूम वो अपना ही होता है, फिर ना जब आप थोड़ा शिफ्ट हो जाते हो चाहे मायके जाओ तो वो मज़ा नहीं आता। तो नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रकृति से पूछ लेंगे अभी। चाहे सेवा कर रही है, थैंक्स यार। पर मैंने बेबी संभाल के रखा, टेंशन मत लो, रो रहा था, भूख लगी है उसको भी, बिना ना शेक। तो फ्रेंड्स चल पड़े हैं अब घर की ओर, शिवोहम और कृष्णा और साथ में प्रकृति को हो गया है अलविदा, हम मिलेंगे दो दिन बाद। तो धीरे धीरे अब देखो राइट साइड दिखाई दे रही है आपको टूरिस्ट की गाड़ियाँ, तो अब शायद थोड़ा सा यू नो मनाली की तरफ वापस ट्रैक पे आ सकती है मनाली, क्योंकि मनाली तभी ट्रैक पे आ सकती है जब टूरिस्ट आए मनाली में, अदरवाइज ऐसे ट्रैक पे नहीं आ सकती वापस। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और ठीक भी है, अगर आजकल थोड़े से टूरिस्ट आएंगे तो उनका भी फ़ायदा है और मनाली का भी फ़ायदा है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम ना स्टेबल हो चुका है। तो गाइस इसी के साथ एक और दिन बीत चुका है, घर पहुंच चुके हैं और अपना काम भी कंप्लीट हो चुका है। आजकल ऑफिस मेरा ऊपर ही आ चुका है रूम में, उसका रीज़न ये है कि नीचे ऑफिस जाओ फिर सिस्टम स्टार्ट करो, और वैसे जब यहाँ शिवोहन नहीं है जो कि मुझे काम करने नहीं देता था, तो अभी अकेले बंदे होने का फ़ायदा भी कुछ अलग है, ऐसा नहीं है कि सिंगल बंदे होने का घाटा ही घाटा है। तो बस अब कल सैटरडे है और कल छुट्टी है वैसे बाय द वे, और ख़ास बात ये थी कि प्रकृति को पता ही नहीं कल सैटरडे था, सेकंड सैटरडे और छुट्टी है शिवो हमको, तो मैंने ऐसी फ़ोन में बताया उसको कि कल छुट्टी है शिवो हमको। ओ माय गॉड बोला, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो कल उसको भेज देती स्कूल। तो कसम से क्या करना यार बच्चों की उसमें ना परवरिश में इतना वक्त नहीं लगता, जब पता ही नहीं लगता संडे मंडे सैटरडे सेकेंड सैटरडे कुछ भी नहीं लगता पता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन जय हिंद जय भारत and stay safe.